आज जहां पूरे देश में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं बिजनौर जिला जेल की चारदीवारी में बंद कैदियों द्वारा भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। साथ ही जेल बंदियों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। देश को आजाद कराने वाले अमर शहीदों को भी याद किया गया। नवभारत समाचार बिजनौर उत्तर प्रदेश से संजीव वर्मा की रिपोर्ट। में 26 जनवरी का प्रोग्राम मनाया जा रहा है, इसका आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं भारतवासियों को जिला कारागार बिजनौर की तरफ से, यहाँ के संपूर्ण अधिकारी संपर्क, कर्मचारी संपर्क, बंदियों की तरफ से सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हर वर्ष गणतंत्र दिवस बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, पूरा भारत मनाता है, तो इसमें जेल पीछे कैसे रह सकती है। हमारे बंदी भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो समाज से भली दूर हैं इस समय, चार दीवारी के पीछे हैं, लेकिन वो हर दिन के महत्व को समझते हैं, हर त्यौहार के महत्व को समझते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि आज जो है उन्होंने पूरा कार्यक्रम खुद ही तैयार किया है और उसका आयोजन भी किया है उन्होंने। अच्छा मैम, जैसे जेल में देखी जा रही है जो एकता देखी जा रही है, भाईचारे वाला बंधु देखा जा रहा है, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये एकता और भाईचारा उनके अंदर से है, इसको हमने एक्सटर्नली फोर्स नहीं किया है, और ये उनके अंदर से इसलिए है क्योंकि वो आज की तारीख में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं इस जेल के अंदर। उनको पता है कि उनके सम्मान की रक्षा करी जाएगी यहाँ पर, उनके हितों की रक्षा करी जाएगी, उनके अधिकारों की रक्षा करी जाएगी, उनकी हर परेशानी को सुना जाएगा, और इसी के साथ निश्चिंत होकर के वो आपस में प्यार के साथ रह रहे हैं, शांतिपूर्वक रह रहे हैं। मैम, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी आज के दिन आप? मैं जनता से यही कह सकती हूँ कि जेल के अंदर जो बंदी बंद हैं वो दंड स्वरूप यहाँ आए हैं, किसी प्रतिकूल परिस्थिति में उनके द्वारा कुछ भी अपराध हुआ है उसका उनको दंड मिला, वो यहाँ आए हैं, लेकिन जेल के अंदर वो सुधर रहे हैं, सुधार ला रहे हैं अपने गुणों के अंदर। यहाँ की दुनिया वैसी नहीं है कि जैसे फिल्मों में दिखा दिया जाता है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में चलता था, पिटाई या परेशान करना। इस आज की तारीख में ये जेल जो है वो सुधार गृह की तरफ है, यहाँ के बंदी अपने अंदर सुधार ला रहे हैं। तो इस सुधरे हुए बंदी जब रिहा होकर बाहर जाए समाज में, तो उसको समाज अपनाए, उनको क्रिटिसाइज ना करिए या किसी भी तरह की स्टीरियोटाइपिंग ना करी जाए, उनको अपनाए, एक जिम्मेदार नागरिक बनके वो यहाँ से बाहर निकल जाए। जैसे कि मैम, ये देखा जा रहा है कि जब से आप आई हो जिला कारागार में, आपके द्वारा नए नए कार्यक्रम कराए जा रहे हैं बंदियों को, उनको मानसिक तौर से जो है अच्छा जीवन बिताने के लिए उनको जो नई पीड़ा दी जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? बहुत ज़रूरी होता है जब बंदी अंदर आ जाता है जेल के अंदर, तो वो समाज से कट जाता है, अपने परिवार से कट जाता है, तो इस स्थिति में उनको हम कह सकते हैं कि अवसाद भी हो सकता है, वो डिप्रेस भी हो सकता है।